दिख रही है, स्लाइड दिख रही है? यस सर। स्वर संधि के भेद, हिंदी व्याकरण। इससे पहले हमने आपका जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में देखा, वर्ण व्यवस्था के बाद जो शब्द विधान था, शब्द व्यवस्था रही उसको। इसी के साथ यहाँ पर आता है, देखना वर्तनी वाला जो चैप्टर आता है, शब्दों के साथ ही जो शुद्ध वर्तनी वाला आएगा एक, उसको आपने खुद से देखते रहना कि कौन कौन से जो ऐसे शब्द हैं और उनको कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना है, देखना है आप सबको खुद से। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण, स्वर संधि के भेद कर ले स्टार्ट, फिर इतने ही रहेंगे आई थिंक, अब ये आएंगे बाकी लोग। चलिए, यहाँ पर लिखा है संधि। संधि के बारे में देखिए, सिंपल सी बात है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। तो यही चीज आपको यहां से याद रखनी है। देखना, एक है आपका संधि, एक है आपका समास। संधि होता है वर्णों का मेल और जो समास वो है आपका शब्दों का मेल। सिंपल सी बात इन दोनों में यही है। वर्णों के मेल में भी आप देखेंगे कि जो संधि में क्या चीजें रहेंगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को ही मिलाया जाता है। मिलेंगे इसमें भी शब्द ही, लेकिन शब्दों में विकार किसमें उत्पन्न होगा, पहला जो शब्द रहेगा उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है। मतलब सिंपल सी चीज है, इस चीज को आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपने बस इसको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा फिर से रिवाइज ही करना है। बाकी चीजें ग्रामर वाली पोर्शन की जो है वो आपको खुद से पता है कि बाकी शब्द की स्थिति कैसी रहेगी, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे उसमें थे। आप देखेंगे विकार कहाँ पर उत्पन्न होगा, बिल्कुल बीच में ही। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है, देखिए विद्यार्थी, हम सब जानते हैं विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बनता है, विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या में लास्ट क्या है, आ है, और आगे क्या है, अ है। तो इन दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है, देखिए पहले के अंतिम वर्ण में और दूसरे के पहले वर्ण में, यही आपका संधि। तो संधि से अगर आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, इन शॉर्ट अगर बोला जाए संधि और समास में क्या अंतर है, समास जो है वो आपके शब्दों का संक्षिप्तीकरण है, समास का मतलब ही संक्षिप्त करना होता है, और संधि का मतलब हुआ जुड़ाव या जोड़ना। तो मतलब जुड़ेंगे इसमें भी शब्द, लेकिन उन शब्दों में हम मेन चीज किसको जोड़ते हैं, प्रत्येक शब्द का जो प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण रहता है उसको हम इसमें जोड़ते हैं। यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान भी रखनी है। तो विद्या और अर्थी, विद्यार्थी। अब ये आ से अ कैसे बना या आ से आ कैसे बना, ये चीज कुछ आगे नियमों में आती है या फिर इसके कुछ भेद आते हैं उसके अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, जबकि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है, और आ और अ आपस में मिलकर आ बनाया है इन्होंने यहां पर। सिंपल सी चीज आपको यहीं याद रखनी है। यही था आपका संधि, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। गुड मॉर्निंग शिखा, लेट हुई आपकी मॉर्निंग, मॉनिटर लेट आएगा तो कैसे चलेगा फिर? सर मैं भूल गई थी क्लास। अच्छा चलिए, मैं भी भूल गया था कि आज पहली क्लास ऑफ की है, दूसरी नहीं की। अब आगे संधि के भेद। संधि के प्रथम वर्ण के आधार पर तीन भेद होते हैं। देखना ये आपको सिंपल सी याद रखनी है कि संधि के भेद है, प्रथम वर्ण के आधार पर इसके कितने भेद हैं, तीन भेद हैं मेन मेन। पहले आता है इसमें स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कहां पर होता है, देखिए सिंपल सी बात ये कह रहा है कि संधि का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि होती है। जैसे देव प्लस आल्य, तो यहां पर व क्या है, प्रथम वर्ण से मतलब है कि जो आपका पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है इसको ही देखा जाता है। अगर ये क्या हो, अगर ये स्वर हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, स्वर संधि है। अगर ये यहाँ पर व्यंजन है तो व्यंजन संधि है, अगर ये विसर्ग युक्त है तो विसर्ग संधि है। बस यही अंतर है, बाकी चीजें आपको कुछ भी करने लायक इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे जब आपको पहचानने के लिए आता है तो वहां पर सिंपली आपको ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे कि मनोहर में कौन सी संधि है, ठीक है। अब आपको पता है कि मनह प्लस हर बनता है मनोहर, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, और यही चीज हमने सीखनी है कि संधि विच्छेद करके आपको देखना है कि कौन सा भेद इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। देखना आपको पहला शब्द देखना है, उसका अंतिम वर्ण देखना है, या फिर आपको ये चीज पहले से पता है, या फिर मतलब आपके पास कोई शब्द है उसको आपने कैसे विच्छेदित करना है, कैसे उसको अलग करना है, यही चीज है आपका संधि का भेद मतलब, ठीक है। और इन्हीं तीन आधारों पर इसको हम विभाजन इसका करते हैं, मतलब जो चीजें आपने पहले कभी पढ़ ली हैं, मतलब स्वर व्यंजन और जो ये विसर्ग युक्त जो शब्द हैं, जैसे आ है आपका, देखिए इनके बारे में आपने पहले से ही तो देखा है,
मतलब पहला ही चैप्टर तो आपका स्वर और व्यंजन का है, तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि स्वर व्यंजन और विसर्ग तीन है संधियों के भेद। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीज और है कि तीनों को हम अलग अलग तरीके से आगे भी भेद मानते हैं। जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि के आगे और भेद है, व्यंजन संधि के कुछ एक नियम है और विसर्ग संधि के भी नियम है। यहाँ पर अगर भेदों की बात की जाए तो सिंपल सी बात याद रखनी है, स्वर संधि के भेद हैं लेकिन व्यंजन और विसर्ग के क्या है, इनके नियम है। वो कौन कौन से नियम है इनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक हमारा आज का है। चलिए, स्वर के बाद यदि स्वर आए या दो स्वरों के मेल से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है दो स्वरों के मिलने से, उसे ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर पहले यही याद रखनी है। ये बोल रहा है कि अगर स्वर स्वर से मिल रहा है तब क्या हो जाएगा, आपका स्वर संधि हो जाएगा। और इसके पांच भेद हैं। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आता है गुण संधि, तीसरे पर वृद्धि, यण और अयादि संधि। देखिए, इसमें ज्यादा पचड़े में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके कुछ एक हल्के से नियम है, हल्की सी ट्रिक्स है, वो ही ध्यान रखनी है। अब अगर आपने वर्ण व्यवस्था वाला चैप्टर सही से पढ़ा होगा कि कौन से दीर्घ स्वर है, कौन से आपके लघु स्वर है। दीर्घ स्वर होता है आपका जैसे आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, है ना ये। लेकिन यहाँ पर कौन सा काम करेगा, आ ई उ, दीर्घ स्वर में जो आपका दीर्घ संधि है, इसमें ये तीन स्वर ही आपके काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी शब्द है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है, जैसा एक शब्द है, चलिए एक ही शब्द देखते हैं यहाँ पर। ये आपके पास शब्द है, देखिए देवालय, इसी शब्द में ही आपको पूरा दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली बीच वाले शब्द में मात्रा देखनी है कैसी लगी है, और जो मात्रा जिस तरीके की है वैसी आपकी संधि हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, मतलब अगर आप यहाँ पर इन पांच भेदों को पहले ही पढ़ लेते हैं तो आपकी संधि यहीं पर क्लियर हो जाएगी। देखिए सिंपल सी ये बात क्या कह रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ा या लंबा। तो अ से आ क्या है, बड़ा है ना, तो देवालय में आ मात्रा लगी है, देव प्लस आलय, और अ से आगे आपका आ बन गया, तो वो क्या हो गया, आ बन गया। यही चीज आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपको ये नियम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आपको सिंपली शब्द जो दिया है ना वही देखना है, सिंपली शब्द देखना है, उसमें बीच में देखनी है कि मात्रा कौन सी लगी। अगर मात्रा आपको पहचाननी आ गई कि ये दीर्घ मात्रा है या लघु मात्रा है, तो समझ लीजिए आपका संधि वाला पोर्शन वहीं पर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल है ये, दिवाले। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हालांकि आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, एक और शब्द देखते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि में, एक और शब्द है, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, बड़ी की है ना, मतलब दीर्घ है, तो ये भी दीर्घ संधि है, ठीक है। जैसे भू प्लस ऊर्जा होता है भूर्जा, है ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, सिंपल सा क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया यहाँ पर, दैट्स इट, यही आपके दीर्घ संधि। समझ आ रही बात, यस सर। चलिए इसको आपने ध्यान रखना है, जहां भी बड़ी मात्रा लगे बीच में वहां क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। गुण संधि में लगेगी ओ की मात्रा, ओ या ए की मात्रा, है ना, ऐसे लगेगी इसमें, ठीक है, ये जो मात्राएं लगेगी यहाँ पर गुण संधि होता है। वृद्धि संधि में मात्राओं की बढ़ोतरी हो जाएगी, वहां पर बीच में दो मात्राएं लग जाएगी, बस जैसे ऐ की मात्राएं और औ की मात्राएं, जहां भी बीच में लगे समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि है। यण संधि में आय आय अब आव, इस तरीके के जो वर्ण रहेंगे और बीच में नहीं, आय आय अब आव, ये तो यण में होगा, सॉरी अयादि में होगा। यण में क्या होता है, यण में आपका एक आधा और एक ये लगता है, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। बस आपने बीच में ये याद रखना कि आधा वर्ण इसमें आएगा, लेकिन इसमें पूरा आएगा, जैसे ने प्लस अक, नायक, आय बना ना बीच में, आय बना नाया, नाया गायक, है ना, नाविक, तो इस तरीके से जो आते हैं ये आते हैं आपके अयादि में। समझ आ गई, इन शॉर्ट यही याद रखना है, बाकी हम विस्तार से इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपका दीर्घ संधि। मुझे लगता है दीर्घ संधि आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि से क्या अभिप्राय है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं पूरे नियमों के अनुसार कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि अ आ
ई उ, ये जो छह वर्ण हैं इनके बाद समान स्वर आए। अब समान स्वर क्या है, मतलब ऐसे ही स्वर आए, है ना, तो वे दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो यहां पर वाक्य हो गया, इसको ठीक है, इसको वे करना है आपने, है ना। ये क्या कह रहा है, अ आ इ ई उ उ, इनके बाद अगर कोई समान स्वर आए, समान स्वर का मतलब है ऐसा ही कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर दोनों के मिलने से उसी का ही दीर्घ हो जाएगा। मान लीजिए अ के बाद आ रहा है या ई आ रहा है या उ सॉरी या सिर्फ अ आ रहा है या दोनों अ आपस में मिल रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात यही आपको याद रखनी है यहाँ पर। जैसे देखिए नियम है यहाँ पर, राम प्लस आज्ञा, राम आज्ञा, ठीक है। अब देखिए म में क्या छुपा है, म में आ छुपा है, अ छुपा है और आगे आ है ऑलरेडी, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब मान लीजिए यहाँ पर दोनों अ ही होते, ठीक है, तब क्या आना था, तब भी आ ही हो जाना था। अब चाहे दोनों आ होते, ठीक है, तब भी क्या होना है, यही आ होना है। अब पहले आ है फिर अ है, ठीक है, तब भी आ ही होना है। अब मान लीजिए पहले अ है बाद में आ है, जो ऊपर तक पढ़ा आपने, तब भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही। और यही नियम किसके साथ रहेगा, इन दोनों के साथ भी रहेगा, ई और ऊ के साथ भी रहेगा। समझ आ रही बात की नहीं? यस सर। जगदम्बा मैम समझ आ रहे हैं? रक्षिता से बोल दो, फिर से बोल दो। देखिए देखिए सिंपल सी बात क्या है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है सब ने, मैं तो तब करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। सर मुझे तो संधियां इतनी बेकार लगती है, कभी आई नहीं समझ। सर आपने जैसे स्वर संधि बताई ना, जैसे हाँ? उसमें दे वाले में फर्स्ट वर्ड स्वर होगा, तो उसमें कौन सा दिखना, देव में देखना कि आले में देखना? दोनों में, दोनों में। तो दो, दो तो व्यंजन नहीं हुआ? एक मिनट मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, एक मिनट में फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूछे, आप लोग समझे, आगे बढ़ना थोड़ी ना है हमारा। देखिए ये है देव, ठीक है, मुन्नो। अब जब तक हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो आपका व है, ठीक है, इसमें देखना है, और दूसरा शब्द है हमारे पास आल्य, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमने कुछ भी नहीं देखना। इसने बोला कि संधि करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो शब्द चाहिए, दो शब्दों में पहले का अंतिम वर्ण, तो पहले का अंतिम वर्ण क्या है, वो है ना, ठीक है। अब हमने स्वर संधि में क्या, सॉरी व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पढ़ा था हमने कि नहीं? यस सर। तो व में क्या, व को उच्चारित करते वक्त क्या आ रहा है, अ की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर, है ना। यस सर। व में क्या है, यस सर। अब मान लीजिए अगर आप व को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये व है, इसको मैंने हलंत कर दिया। इस हलंत का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ से स्वर को निकाल दिया। समझ आ रही है सुगंधी मैम बात? हाँ जी सर, हाँ जी। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा देव। देखिए देव हलंत नहीं किया है, वह देखना आप देखेंगे। जैसे एक एक और उदाहरण देता हूं मैं, एक और उदाहरण देता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा दिक प्लस गज, ये ऐसे अगर होगा, लेकिन यहां पर देखना हमेशा क हलंत रहेंगे जब भी आपका व्यंजन संधि होगा, मतलब जो वर्ण आपके यहाँ पर अंतिम वर्ण होगा वो हलंत होगा। आप चाहे अभी अपनी लूस एंड सामान्य हिंदी वाली बुक उठा के देखिए, जो भी आपको व्यंजन संधि दिखेगी वहां पर आपको इसमें क्या रहेगा, हलंत रहेगा पहला वर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ से हमने स्वर को निकाल दिया, इसको हमने व्यंजन बनाया, ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये हमारे काम का भी नहीं है, हमारे काम का है देव। वह हलंत नहीं है, मतलब इसमें अ की आवाज है, इसलिए इसमें अभी स्वर संधि है, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो अ है ये किस आ से मिल रहा है, इस दूसरे वर्ण से मिल रहा है। अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ अ है या आ है, तो समझ लीजिए अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो गया, आ ही हो गया, इसलिए ये आया देवालय। और यहाँ पर जी आई समझ अब? यस सर, आगे चलिए थोड़ा सा इसको खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा, बहुत ही इजी है, मतलब ये बंद आंखों से आप पहचान पाते हैं। अब मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है,
दूसरा फार्मूला भी है हमारे पास। दूसरा फार्मूला क्या है, ये कहते हैं यहां पर देखिए सिंपली बात इसने बोली, आगे उदाहरणों में देखिए, उदाहरण देखिए इनके, यहां से आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे पहले है, देखिए महा प्लस आत्मा, आ की मात्रा बीच में है ना, तो आपको पता है आ क्या है, दीर्घ दीर्घ स्वर है, ठीक है, तो मतलब दीर्घ संधि है, सिंपल सी बात है। महा प्लस आत्मा, वहां पर देखिए महा में क्या है, आ है ना लास्ट में, हा में आ की मात्रा लगी है, मतलब आपका स्वर है। फिर आगे आत्मा में क्या है, दोनों आ है, तो दोनों ने मिला के क्या बनाया, बड़ा आ बनाया, तो मतलब क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक परम प्लस आत्मा, परम में म में क्या छुपा है, अ छुपा है, और आत्मा में क्या है, आ है। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या हो गई कि अ प्लस आ मिले, आ प्लस आ मिले, या फिर आ और अ मिले, या दोनों अ अ मिले, तब भी आपका क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। समझ आ रही है? Yes, sir. अब मान लीजिए ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है, फिर से देखिए एक बार, क्या देखना, बीच में देखना है मात्रा कैसे लगी है, बीच में सब में देखिए आ की मात्रा ही लगी है, नीचे देखिए बड़ी की मात्रा है, योगेंद्र परीक्षा गिरिंद्र कपीश कविंद्र रविंद्र हरीश मनीष, है ना, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ शब्द को देखा, उसमें देखिए कि मात्रा कैसी लगी है, बड़ी मात्रा लगी है, समझ लीजिए कि वहां पर क्या है, दीर्घ संधि है। यस सर। ओके, यही करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है इसमें, जीरो है स्वर्ग संधियां। तो आई थिंक अब आप कर लेंगे इसको, चाहे कैसा भी उदाहरण मिले आपको, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, आपने बीच में देखना है बस मात्रा कैसे लगी है। अब इसको देख लीजिए, लास्ट वाले को देख लीजिए, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु में ऊ था, ऊ को हमने ऊ से ही मिला दिया तो बड़ा ऊ बना दिया, ठीक है। भानु प्लस उदय, भानु में ऑलरेडी ऊ लगा है नौ में, ठीक है, नौ में ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ है भानु। लघु में क्या है, बड़ा ऊ है, आगे फिर से आपने उत्तर कर दिया तो बड़ा ऊ बना दिया, लघुत्र, लघु प्लस उत्तर, लघु में वैसे छोटी ऊ की मात्रा होती है लेकिन उत्तर में भी छोटा ऊ है, अब ऊ प्लस ऊ छोटे लेकिन बना रहे हैं फिर से वैसे ही बड़े, जैसे आपके ऊपर महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा महात्मा, ठीक वैसे ही रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटा ई लगता है लेकिन जब रविंद्र लिखेंगे तो डेफिनेटली हम इसको बड़ा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन नाम में हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि कईयों ने छोटे ई की मात्रा लगाई होती है तो वो नाम अलग से होता है, वैसे आपका दीर्घ संधि में हमेशा मात्रा बड़ी लगेगी, यही चीज आपको याद रखना है। समझ आ रही बात? हाँ जी सर। यस सर। अब मत कहना सुगंधी सर, जैसे वो छंद, नो नो सर, आ गया, मतलब जो छंद छंद में होता था ना लघु और दीर्घ, वैसा ही है इसमें भी, दीर्घ जो देखनी है मात्रा, तब वही इसी के जरिए, तो मतलब जो पहला चैप्टर है ना वो आपका हर जगह काम आएगा, जो आपने सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पढ़ी ना, बहुत सारे लोग देखेंगे वो कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था कुछ भी नहीं है, और आधे लोगों को वर्ण व्यवस्था पता ही नहीं होती है, खासकर हिंदी वालों को भी, है ना, मानते आप इस बात को, बच्चों की तख्ती लिखने जाते थे पहले, तो नहीं आती है वर्णमाला, तो इसको याद रखना की सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी कि कैसे याद रखते हैं, कचोटता प्यार, ठीक है, प्यार सबको कचोटता रहता है, लिखना कचोटता, ये पांच जो है, ये पांच वर्ग हैं, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन है, फिर आपका कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ओके, तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। आपको सिंपली उदाहरण से समझना है और आप दो सेकंड में भी नहीं से भी पहले जान जाएंगे आपके कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, स्वर संधि इतनी आसान है। दूसरी आपकी देखिए गुण संधि, मतलब यहां पर थोड़ा सा गुण आ गया। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि अ और आ के बाद ई या उ और रि आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः का मतलब हुआ रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, ए ओ और अर हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि अ के बाद ई आ जाए, देखिए ये बोल रहा है अ आ ई या उ है ना, और रि आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अ प्लस ई हो जाएगा ए। सिंपल सा याद क्या रखना है, ऐसे याद रखना है, और ई चाहे फिर बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और से अगर ऊ मिल गया, ठीक है, क्या बड़ा हो चाहे छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना, अगर री से मिल जाए तो अर हो जाएगा। समझ आ रही बात, फिलहाल आपको सिंपली इतना सा याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चलेगा, देखना छोटा या बड़ा, अ के साथ कोई भी लिखे, है ना, और आ के आगे आकर कोई भी हो, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, है ना,
या फिर छोटा उ हो या बड़ा उ हो या फिर री हो, है ना। ये ऐसा कह रहा है यहाँ पर, सिंपल सी बात यही है। अब इसको देखिए थोड़ा सा उदाहरण से देखिए, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना। इसमें क्या चीज कह रहा है ये कि नर प्लस इंद्र। अब नर में क्या है, कौन बताएगा? सुगंधि मैम, नर में क्या है? नर में क्या है? नर में र में क्या छुपा है? सर क्या बोल रहे हो, आवाज आवाज कटती है। मैंने कहा नर, नर शब्द में क्या छुपा है? र में सर अस्वर, अस्वर है ना सर। और इंद्र हाँ। में देखिए आगे क्या है, इंद्र में क्या है? ए है, ई है, इंद्र अ प्लस ई। देखना यहाँ पर कौन मिल रहे हैं, यहाँ पर दो वर्ण अ प्लस ई मिल रहे हैं। और अभी हमने देखा था यहाँ पर इनका क्या गया, बाकी देखिए सारे के सारे वैसे रखने, नर तक आपने बिल्कुल वैसे रखना और ई आपने देखा ए बनेगा इसका, तो इसमें वो मात्रा लग जाएगी, है ना। बाकी आधा न भी वैसे लिखा, ड्र भी वैसे लिखा, ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे लिखे। तो मतलब आपको क्या करना है, सिंपल आपको बीच के वर्ण में अंतर करना है। र में क्या था? अ था, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए कर दिया आपने और ये नरेंद्र बन गया। समझ आ गई बात? ये हुआ पहला नियम, यस सर, ठीक है। अब सुर प्लस ईश, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आगे बड़ी ई, मतलब सुर में र है तो अ ही रहेगा, ईश में बड़ी ई थी लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ए ही बन गया, है ना। ये चीज मैंने पहले कही आपको, ओके सुरेश। अब देखिए, अब दूसरा एक और उदाहरण यहाँ पर इसने आगे वाला दिया है। आगे वाले उदाहरण में इसने क्या बोला कि जहां पर आ भी हो चाहे, आ भी बोला है ना। अब देखिए यहाँ पर है महा, महा में क्या है? आ है, ठीक है। अब आ किस से मिल रहा है? फिर से ईश से, ई बड़ा है, बावजूद उसके वहां पर क्या बन रहा है? ए बन रहा है, महा प्लस ईश, महेश। आ की मात्रा हट के क्या बन रही है? ए बन रही है, महेश। समझ आ रही बात? यस सर। तो बहुत ही आसान है ये भी, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये था अ प्लस ई। अब देखते हैं अ या आ प्लस उ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। यहाँ पर देखिए महा में क्या है? आ है, आगे उ है, ठीक है। आ और उ हमने पहले बोला कि ये बनेंगे ओ, ठीक है। जैसे महा प्लस उत्सव, महोत्सव, क्या बना? महा प्लस उत्सव, महोत्सव। मऊ को हमने वैसे ही लिखा, अ को हमने वैसे ही लिखा, आ और उ हमने मिला दिए, इनको मिला के हमने ओ की मात्रा लगा दी, आधा त भी वैसे रखा, स भी वैसे रखा और वो भी वैसे रखा, इसमें कुछ भी अंतर नहीं किया, है ना। देखिए बाकी वर्ण वैसे के वैसे रह रहे हैं, बीच का जो शब्द है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, मतलब शब्द नहीं वर्ण, उसमें सिर्फ मात्रा लग रही है। सगुण न में क्या है? न में अ है, अ के बाद उ है तो ओ बन जाएगा, मतलब यहाँ से आ की मात्रा हट जाएगी इससे और ये अ रह जाएगा और उ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सगुणोपासना, सगुणोपासना, देव प्लस उत्तम, ये अब आपने बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। देव प्लस उत्तम, हाँ जी, शाबाश, बहुत ही आसान है ये तो, वैसे ही तो रखते हैं शब्द देवोत्तम, यस देवोत्तम, देवोत्तम, यस। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तम आपने वैसा ही लिखा, देव आपने वैसे लिख दिया, वह में सिर्फ मात्रा लगा दी, हो गया देवोत्तम, है ना, हो गया आपका गुण संधि। मुश्किल नहीं है गुण संधि, मुश्किल है? नो सर, एक ही और ओ की मात्रा याद रखनी है, बस इसमें ए और ओ की मात्रा याद रखनी है। जैसे अर आएगा इसमें महा प्लस ऋषि, महर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, और आएगा इसमें लिखना देवर्षि, ये वैसे कम पूछा जाता है, इसको आप देख लेना, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो ये हो रहा है कि आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो अर हो जाएगा। देखिए महर्षि, महर्षि पढ़ते ना, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, देव ऋषि नहीं कहते, देखना देवर्षि होता है, देवर्षि, देवर्षि, समझ आ रही है बात की नहीं? उदाहरण लिख, उदाहरण इसके क्या होंगे ये आपने खुद से देख लेने, मतलब जो आपका ये दीर्घ संधि के उदाहरण, जैसे जिसके भी बीच में क्या लगे, ए लगे, है ना, ओ लगे, आपको वही याद रखना है, वो क्या है आपका गुण संधि है। जिस भी वर्ण के बीच में क्या लग जाए आपका, ओ शब्दों के बीच में क्या ओ की मात्रा आए, जैसे युगल प्लस उपासना, युगल प्लस उपासना,
क्या होगा? युगल उपासना। यस, युगल उपासना है ना, देव प्लस उपासना, देव उपासना है ना। यस, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय क्या होगा? महोदय। महोदय, यस, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गुण संधि है ना। नर प्लस ईश, नरेश है ना, नर प्लस ईश, नरेश, ऐसे ही सूर्य प्लस ईश, सुरेश, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र है ना, गिरी प्लस इंद्र, इंद्र वो तो फिर इंद्र हो जाएगा, वो नहीं होगा इसमें, वो नहीं होगा इसमें, क्योंकि उसमें ई आ रहे हैं दोनों, ठीक है, उसमें दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आसान है ये बहुत। फिर आता है वृद्धि, वृद्धि में तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, एक एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाना ही क्या है, अपने आप में वृद्धि है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है, यदि अ और आ के बाद ए आई ओ औ आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः क्या हो जाएंगे, आई और औ हो जाते हैं। जैसे एक प्लस एक, क में क्या है, क में ए है ना, इस वाले क में देखिए क्या है, ए है, आगे क्या है, ऑलरेडी ए लगा हुआ है, तो आपने एक एक कर दिया इसको, यहाँ लिखा है देखिए, अ प्लस ए ने क्या बनाया मिलके, एक एक। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है याद, मतलब वृद्धि संधि में नहीं करना है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर मात्रा ही देखनी है। समझ आ रही बात की नहीं? यस सर, यस सर। जहां पर बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, ठीक है। लेकिन ट्रिक को याद रखने से पहले कभी कभार आपको ऐसे पूछा जाता है, देखना कि यदि अ और आ के बाद ए आई ओ औ आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, या मतलब किस संधि में ये चीजें मिलती हैं आपस में, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आपको स्वर संधि के वृद्धि संधि भेद में। यहाँ पर देखिए, सदा प्लस एव, सदैव, तथा प्लस एव, तथैव, है ना, ऐसे होता है ना, जारी बात। तो ये भी चीजें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान भी रखनी है, ओके। तो आगे है देखिए, महा प्लस औषधि, महौषधि, इसमें कुछ नहीं किया आपने, पहले आ रखा, बाद में औ था, ऑलरेडी इसमें औ की मात्रा लगी है, तो आप इसको सिंपली वैसे ही याद रखेंगे, परम औषधि। महा प्लस ओज, महौज, है ना, हो गया, सिंपल सा चीज है, ठीक है, हो गया इतना तक, हो गया सर। अब आता है आपका यण संधि। यण संधि में क्या चीज है, देखिए ये बोल रहा है कि यदि ई ई उ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाएगा, ई ई का उ य हो जाएगा, उ उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये औरों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बिल्कुल आसान है, इसको एक बार अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो। जैसे ये बोल रहा है देखिए कि मान लीजिए आपके पास अ और आ को छोड़ के है ना, यदि ई ई उ उ और री के बाद, मतलब अ और आ को छोड़ के क्या आ जाए, भिन्न स्वर आए, ठीक है। जैसे प्रति प्लस अक्ष, अब प्रति में क्या है, देखिए ई है ना, यहाँ देखा ये बोल रहा है ना, ई ई उ री के बाद, तो यहाँ पर प्रति में क्या है, ई है, उसके बाद भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर कौन बचा आपके पास, और आ ही तो बचा, ये दो ही बचे ना, ठीक है। भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर जब अगर छोटी होगी तो छोटी मात्रा लगेगी, अगर बड़ी होगी तो बड़ी मात्रा लगेगी, सिंपल सी बात यही है। जैसे प्रति प्लस अक्ष, ये कह रहा है कि इसमें प्रति प्लस अक्ष ई के बाद अ दिख रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, यह बनेगा, और उसमें कोई भी क्या होगा, कोई भी आपकी मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि यह बन रहा है, सिंपल सी बात इसने ऐसी बोली, प्रति प्लस अक्ष प्रति अक्ष, ई प्लस य इज इक्वल टू य दिख रहा है यहाँ पर, बीच में लिखा है देखिए, नी प्लस ऊन, यहाँ पर देखिए नी प्लस ऊन, आगे वाला शब्द आपने देखना है, ये वाला जो दूसरा शब्द जिससे शुरू हो रहा है ना, मात्रा उसकी लगेगी। जैसे नी प्लस ऊन, नी में ई था तो ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, है ना, और उस य में मात्रा लगेगी आगे वाली जो है, ऊन बड़ी की मात्रा है ना, तो बन गया आपका न्यून। समझ आई? Yes, समझ आई बात? अब इसमें yes, मान लीजिए ये चीज समझ नहीं आ रही है, यहां पर देखना है, य तथा व से पहले आधे वर्ण आए तो यण संधि, सिंपल सी यही याद रखना है। मान लीजिए आपको दूसरी चीज याद नहीं हो रही है, आपने सिंपल क्या रखा याद, कि बीच में अगर य और व आ रहे हैं है ना, उनसे पहले अगर आधा वर्ण कोई आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या आपका यण संधि है। बहुत ही इजी है ये भी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर वाला आपको ये ट्रिक नहीं सॉरी ये जो पहचान याद नहीं आ रही, कैसे अब इसको याद रखना है,
तो आपको सिंपली यही चीज याद रखनी है कि इसमें क्या रहेगा, आपका य और व से पहले आधा वर्ण हो जाता है, वही आपका क्या है, वही आपका स्वर संधि का यण संधि है। जैसे अनु प्लस एशना, अनु में था देखिए उ और आ से भिन्न स्वर है, ठीक है, लेकिन आगे क्या है, आगे अ ई सॉरी जो आपका ई उ और री के बाद क्या है, अलग स्वर है, मतलब ऐसा नहीं है, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, अनुवेशना हो गया, अनु प्लस एशना, उ के बाद ई लग गया, ए में आगे मात्रा थी, ठीक है, तो मात्रा व में कैसे लगेगी, ऐसी ही मात्रा लगेगी जैसा ये है आगे, आगे वाला वर्ण जैसे स्टार्ट हुआ है, अनवेशना, अनवेशना, और न अपने आप में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि पहले वाला जो स्वर है वो खुद क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे प्रति में देखिए त आधा हो गया, ठीक है, नी नी में क्या हो गया, न या आधा हो गया, अनु में अब फिर से एक बार न आधा हो गया, अनवेशना हो गया, ठीक है। एंड दूसरे नंबर पर है यहां पर सु प्लस आगतम, तो यहां पर स था वो क्या हो गया, आधा हो गया, उ से आ क्या बन गया, वा बन गया, उ से आ क्या बन गया, वा बन गया, सुवागतम, सुवागतम, समझ आ रही बात। जैसे मतलब ये जब जोड़नी है संधि तो आधा बन जाएगा अक्षर, तो इट मीन्स जन संधि है। यस, पहले वाला आधा जब भी बने समझ लीजिए वहां पर क्या है, यण संधि है, व और य से पहले, ठीक है, ठीक है सर, यही है इसमें, और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, पहले था आपका अर, पहले क्या बनता था आपका, अर बनता था जब आपका ये वृद्धि संधि रहा, ठीक है, जहां पर महा प्लस ऋषि महर्षि अर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर र बनेगा, मातृ मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, बीच में त्र ही लगेगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें आपको कि त्र ही लगेगा ज्यादातर, है ना, मातृच्छा, तो यहाँ पर पूरा बोल रहा है, अर नहीं बोल रहे हम यहाँ पर, त्री बोल रहे हैं, त्री तर तर ऐसा ही लगेगा यहाँ पर, त्र, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, मातृ प्लस आज्ञा मात्र आज्ञा, देखिए बीच में क्या लग रहा है, त्र लग रहा है, तो आप ट्रिक में त्र को भी जोड़ सकते हैं साथ में, कि इसमें दो तरीके से ट्रिक्स रहती हैं, अगर मान लीजिए आपका र से संबंधित कोई है तो उसमें क्या लग जाएगा, त्र लग जाएगा, और दूसरा अगर रहेगा ठीक है, री से संबंधित में त्र लगेगा, और आपका जो ऊपर वाले शब्द हैं उसमें आपका आधा वर्ण लग जाएगा पहले, समझ आ रही है बात। तो ये थे आपका स्वर संधि का कौन सा भेद, यण संधि, यण इसका नाम ही याद रखना है कि जहां पर य से पहले आधा वर्ण आ जाए तो यण संधि कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी जो भाग है इसका ये है अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या चीज है, देखिए ये कह रहा है कि यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाएगा, एंड ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, और औ का आव हो जाएगा। यहां पर मेन चीजें आपको क्या याद रखनी है, ए से अय, अय आय अब आव, चार बनते हैं यहां पर, कितने बनते हैं, चार, कौन कौन से, एक आपका अय, एक आपका आय, एक आपका अव, एक आपका आव, ये चार बनेंगे बीच में, ठीक है। अब देखिए कब कब बनेंगे, ये बोल रहा है जब ए और ऐ ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए, मतलब इसमें मेन चीजें क्या रहेगी, ए ऐ ओ औ, चार चीजें रहेंगी, है ना। जैसे यहां पर है देखिए, ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो यहां क्या हो गया, नयन, कुछ भी नहीं हुआ, अय बना यहां पर, सिंपली क्या बना यहां पर, अय बना, ने प्लस अन नयन। अगर मान लीजिए यहां पर दो मात्राएं होती, दो मात्राएं होती और आगे फिर से अन होता तो क्या होना था, नयन, तो इसमें क्या लग जानी थी, आ की मात्रा लग जानी थी। ये आ की मात्रा कब लगेगी, जब वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि से, यस सर, हाँ, जब दो मात्राएं होंगी तो आ की मात्रा लग जाएगी, जब एक मात्रा होगी, देखिए जैसे यहां पर उदाहरण है आगे वाला, देखिए ने प्लस अक, तो यहां बन गया ने का आ, जहां पर दो मात्राएं होंगी समझ लीजिए वहां पर क्या है, आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। जैसे गै प्लस अक क्या बनेगा, गै, दो मात्रा लगी ग में, शाबाश, ग में दो की मात्राएं हैं और आगे लिखा है गायक, यस गायक, है ना, तो ये आपको याद रखना, देखिए अय आय, जैसे जैसे आपके पास है चे प्लस अन, आपके पास शब्द है चे प्लस अन, चायक, चयन, चे अन, चयन, 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 हाँ, अगर आपने लिख दिया चे, दो मात्राएं लगा दी चे प्लस
अन, तो क्या हो जाएगा? तब बनेगा चयन। हाँ तब बनेगा चयन। अब चायल का संधि विच्छेद करके दिखाइए, चायल है एक जगह, उसका संधि विच्छेद कीजिए। ये है जय जमा अल, ये बनेगा सिर्फ। इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा देखिए चायल। अब पायल का बनाइए ऐसे ही, पायल का कैसे बनेगा? ये बन जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा और इसका पायल हो जाएगा, ऐसे करते। समझ आ गई बात? अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने बोला इसको ये हाथ आधी मात्रा, अब इसका क्या बन जाएगा? अब इसका क्या बन जाएगा? P प्लस अल, ये बन जाएगा। समझ आई बात? पायल सर। यस हाँ, मुश्किल तो नहीं है ये, आसान है? आसान है, बहुत ही आसान है, बस इसको समझ के करना है। जब आप समझ लेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। जैसे यहाँ पर अब ओ वाला देखिए, हाँ ओ वाला देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है ओ प्लस अन क्या बन गया? पवन। यहाँ पर क्या बना? अब बन रहा है देखिए पवन। ओ प्लस अन क्या बन रहा है? पवन बन रहा है। ठीक है, अब ठीक वैसे ही, अब जैसे मान लीजिए औ की मात्रा लगा दी तो प का क्या बन गया? आ बन गया, पावन बन गया। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास है ये देखिए, ऐसा शब्द है आपके पास सो प्लस अन, इसका बनाइए क्या बनेगा? इसका सो प्लस अन सेवन। यस, अब मान लीजिए इसको आपने ये कर दिया, सौ कर दिया, सेवन सेवन। यस हो गया, हाँ बस यही है, यही आपकी अयादि संधि है और कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। जैसे धो प्लस अन धवन, धो प्लस अन क्या हो जाएगा? धवन। अगर आपके पास हो गया धव प्लस अन तब हो गया धावन। ठीक है, जैसे धो प्लस अक तब धावक, अगर धव प्लस अक तब धावक। सिंपल सी बात यही है ना। अब मान लीजिए ये चीज कभी दोबारा आपको नहीं है पता, मान लीजिए ये चीज आपको नहीं है पता, फिर आप दूसरा तरीका बताएं अपनाएंगे इसको ढूंढने का। सिंपली यदि पहले और तीसरे अक्षरों के बीच में य और व हो, पहले और तीसरे में देखिए, पहला प है तीसरा न है, बीच में क्या है? व है। ठीक है, पहला न है दूसरा य है, बीच में क्या है? य है। बीच में यहाँ पर य है, बीच में वहां पर व है, वहां पर भी व है। तो सिंपल सी बात है कि आपको बीच वाला वर्ण भी देखना है कभी कभार, लेकिन यहाँ पर आधा नहीं रहेगा, यहाँ पर पूरा हो जाएगा। पीछे वाले में क्या था? वहां पर आधा था। यही है आपका दीर्घ संधि, सॉरी अयादि संधि। समझ आ गई बात? अब कोई बताएगा कि किसी को मुश्किल लगा? नो सर। अब आगे समझ, बस इसी समझ के साथ आगे बढ़ना है। लास्ट में एक नजर में फिर से लिखा है यहाँ पर संधियां एक नजर में, तो स्वर संधि की पहचान एक नजर में कैसे है? दीर्घ संधि का मतलब है जहां पर भी बड़े स्वर आपको दिखें, आ ई उ वर्णों शब्दों के बीच में आपको इस प्रकार के वर्णों की मात्राएं लगी हुई दिखेंगी, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? दीर्घ संधि है। देवालय, शिवालय, अनाथालय है ना, भूर्जा, भूम, भूषमा है ना, जहां पर बड़ी उ की मात्रा लगी है, जहां पर बड़ी की मात्रा कविंद्र, गिरीन्द्र है ना, सुरेंद्र, नरेंद्र, इस तरीके की जहां पर भी मात्राएं दिखेंगी बड़ी बड़ी, समझ लीजिए कि वो क्या है? आपका दीर्घ है। फिर गुण संधि, यहाँ पर ये बोल रहा है ए ओ और अर हो है ना, ए और ओ की मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण में जहां पर हो, तो समझ लीजिए वहां पर क्या आपको गुण संधि है। मात्रा कौन सी रहेगी? ए ओ अर। ये गुण संधि की सिंपल ट्रिक है पहचानने की, एक मतलब एक ट्रिक है कि बीच में अगर मात्राएं किसकी लगी हो, ए और ओ की लगी हो, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है आपका, वहां पर गुण संधि है। अगर जैसे अर हो, जैसे महर्षि, देवर्षि है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली देखना है कि मात्राएं कितनी है। अगर एक से ज्यादा मात्राएं लगी हो, चाहे वो ऐ की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो, तो सिंपल सा है, वृद्धि में ऐ और औ आ जाएगा बीच में मात्राओं में। ठीक है, तो ऐ औ की मात्राएं अगर दूसरे तीसरे वर्ण में लगी हो, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? वृद्धि संधि है। यण संधि में ये कह रहा है कि य और व से पूर्व अगर आधे वर्ण हो, तो वहां पर जान जाना है कि वहां पर आपका
बहुत ज्यादा चांसेस क्या मतलब हमेशा यही रहेगा कि आपका यण संधि हो जाएगा। अयादि संधि के तीन अक्षरों के बीच में य और व हो तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या है आपका अयादि संधि है। ये था बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका स्वर संधि को समझने का। यहां से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार अगर आपको ये सीख लिया आपने तो मैं समझता हूं कि इसको जिंदगी भर बोलने की फिर गुंजाइश ही नहीं रहती है। ओके ठीक है यहां तक। यस सर। बहुत सिंपल सी चीज है देखना, बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी। मुश्किल तो नहीं लगेगा अब तो नहीं कहेंगे कि स्वर संधि मुश्किल है। नो सर। चलिए तो फिर नो सर, ऊपर नहीं जाना है। मैं रोज आऊंगी फिर। ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा इनको, संधि से आता ही आता है देखना प्रश्न कभी कभार, क्या हर परीक्षा में पूछी जाती है संधियां और ये बहुत ही आसान है। ये बस सिर्फ हुआ है कि स्वर संधि मुश्किल है, व्यंजन संधि मुश्किल है। ये तब तक मुश्किल है जब तक हम इनको थोड़ा सा समझते नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन समझो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तो इतनी करती है आपकी संधि, जल्दी जल्दी तो नहीं करवा दिया। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं जो आपको संधि में याद रखनी है। कल पढ़ेंगे हम आपका जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के नियम आते हैं। तो व्यंजन संधि थोड़ी सी इससे मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है पर एक बार अगर आप समझ जाएंगे उसमें कि ये उसके कुछ एक नियम है, कुछ एक ट्रिक्स है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो इजी लग जाएगा आपको। पर अगर नहीं पढ़ेंगे या फिर एक दिन पढ़ेंगे दो दिन बाद देखेंगे नहीं संधियों को तो फिर मुश्किल हो सकती है। और एक बार अगर दिमाग में बैठ गई फिर आप छोड़ भी सकते हैं, लंबे टाइम के बाद पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जब तक याद नहीं हो जाता, जब तक ये नियम वगैरह सही तरीके से याद नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर एक बार अगर ये याद हो जाएंगे तो फिर बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है मतलब संधि वाला पोर्शन भी। और ठीक जैसे संधि कर लेंगे वैसे समास आ जाएगा। वहां पर देखना जो शब्द आपने पढ़े हैं, शब्द विधान हमने इससे पहले पढ़ा है एक चैप्टर, उसको याद रखना है क्योंकि वहां पर वो आपका काम आएगा। यहाँ पर आपके क्या आ रहे थे, वो जो वर्ण व्यवस्था वाला चैप्टर था वो काम आ रहा था, है ना। यही ध्यान रखना है, वहां पर संधि भी काम आएगी, वर्ण व्यवस्था भी काम आएगी समास में, ठीक है। और बाद में जो चिटपुट चीजें बचती हैं जैसे आपका ये दूसरे आते हैं देखना, जो शब्द क्या कहते हैं उसको, शब्द शुद्धि कहते हैं। शब्द शुद्धि वाला पोर्शन तो बहुत ही मतलब वो 10 मिनट का काम है, उससे बाहर शब्द नहीं आते हैं। सिंपल सी बात आपको यही याद रखनी है, है ना। कुछ एक शब्द आएंगे तो वो लग जाता है पता कि कौन सा सही है, क्योंकि दो शब्द तो उसमें दो आपको ऐसे विकल्प दिए जाते हैं जो ऑलरेडी गलत होते हैं, पहले से ही गलत होते हैं, बस एक दो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही आपको देखना है। जब आपने वो चीज देख ली तो फिर समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया, है ना। फिर कहेंगे आप कि आप बोलेंगे सर इतनी सी चीजें याद रखनी है बाकी हो जाएगा, है ना, ऐसा है, इतनी सी चीजें याद रख लीजिए बाकी हो जाएगा, है ना। ये तो जरूरी है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। कल टेस्ट होगा। कल तो आपके लिए कौन सा टेस्ट बोला है, जो अन्य गौण विधाएं बची हैं सारी की, गौण विधाएं बची हैं, गौण विधाओं का सबका टेस्ट होगा आपको 30 मिनट में जाके टेस्ट सेक्शन में जाके, वहां से आपको ये टेस्ट देना है, ठीक है। ये रहेगा आपका वहीं पर। यहाँ तक ठीक हो गया, जो टेस्ट सेक्शन में देना। हाँ हाँ, जो टेस्ट में होगा वो आपने खुद देना है, उसमें लाइव नहीं रहूंगा मैं, लाइव क्लास में नहीं, लाइव में हम यही पढ़ेंगे। वो तो मुझे पता है लेकिन मैं बाद की बात कर रही हूँ कि बाद में डिस्कस करना, जैसे पोल की तरह करते हो, ठीक है। हाँ उसको देखेंगे अगली क्लास में, देखेंगे उसको अगली क्लास में, देखेंगे। चलिए फिर ठीक है, कल की है छुट्टी, आज है सेकंड सैटरडे, आप भी कीजिए एंजॉय, मैं भी करता हूँ। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।